गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। टुडे इज आवर मैथ सब्जेक्ट पीरियड, सो टेक आउट योर न्यूमेरसी स्किल्स बुक एंड शो द पेज नंबर 74। आप अपनी न्यूमेरसी स्किल बुक में पेज नंबर 74 निकालिए। टुडे इज आवर टॉपिक इज अबाउट द शेप्स। शेप्स क्या? आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो एक शेप में रहती है, ओके? जैसे आपने एग देखा, एग का अलग शेप होता है। मून देखते हो आप, स्टार्स देखते हो, मम्मा जो रोटी बनाती है वो देखते हो, फ्रिज देखते हो, टीवी देखते हो, तो हर चीज़ का अपना एक अलग शेप होता है। क्या ये सारी चीज़ें शेप में एक जैसी होती है? नो, सबका डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, सब अलग अलग शेप की होती है। तो आज हम कुछ शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। शेप्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम उनको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ये पिक्चर देखिए आप, इसमें आपको एक मैन जैसा कुछ दिख रहा है ना, लेकिन उसकी आईज अलग शेप से बनी है, नोज अलग शेप से, लिप्स अलग शेप से, उसका जो थ्रोट अलग शेप से है, उसके हैंड्स जो अलग शेप से बने हैं, तो ये अलग अलग शेप से बने हैं। तो इन्हीं शेप्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आपको ये बताने से पहले आप पेज नंबर 76 निकालिए। फर्स्ट शेप है हमारा स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर। स्क्वायर क्या कह रहा है? आई हैव फोर इक्वल साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स, कि मेरी फोर इक्वल साइड्स होती है एक जैसी और फोर कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4। ये जो इसकी चारों साइड्स होती है, फोर साइड्स होती, वो मेजर में आप मेजर करोगे, स्केल से नापोगे तो वो साइज में एक जैसी होगी, और फोर कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4, ओके। शो द पेज नंबर 77। आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या बोल रहा है? आई हैव फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स, ये कह रहा है मेरी भी फोर साइड्स होती है और फोर कॉर्नर्स होते हैं, बट इनमें चेंज क्या होता है? टू साइड्स आर लॉन्ग एंड टू साइड्स आर शॉर्ट। जो टू साइड्स होती है वो लॉन्ग होती है, जैसे ये टू साइड्स लॉन्ग होती है, इक्वल होगी, और ये टू साइड्स शॉर्ट होगी और इक्वल होगी, या इसमें ये टू साइड्स भी लॉन्ग हो सकती है तो फिर ये टू साइड्स शॉर्ट होगी। आप इसको कैसे भी टर्न कीजिए तो इसकी टू साइड जो आमने सामने वो लॉन्ग होती है और टू साइड्स उसकी शॉर्ट होती है। ट्राइंगल, टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या कह रहा है? आई हैव थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स, कि मेरी थ्री साइड्स होती है, 1 2 3, और थ्री कॉर्नर होते हैं, 1 2 3। नाउ सर्कल, सी आई आर सी एल ई, सर्कल। सर्कल क्या कह रहा है? आई डू नॉट हैव अ साइड और अ कॉर्नर, मेरी कोई भी साइड नहीं है और कोई भी कॉर्नर नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल गोल हूँ। शो द पेज नंबर 80। कुछ एक्स्ट्रा शेप्स भी होते हैं, जैसे स्टार, ओवल, सेमी सर्कल, क्रिसेंट्स, ओ वी ए एल, ओवल। ये ओवल शेप है, दिस इज़ एन ओवल, दिस लुक्स लाइक एन ओवल। आपने एग देखा है, पोटैटो देखा है, वो कौन से शेप में होते हैं? वो ओवल शेप में होते हैं, ओके। पेज नंबर 81 देखिए। एस ई एम आई सी आई आर सी एल ई, सेमी सर्कल। ये देखिए, अगर सर्कल को बीच में से हाफ कट कर दिया जाए तो वो सेमी सर्कल कहलाता है। दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस लुक्स लाइक अ सेमी सर्कल। वाटरमेलन की स्लाइस सबने खाई है, वाटरमेलन खाते हैं ना, स्लाइस करके खाते हैं, तो वो आप स्लाइस देखिएगा, ये सेमी सर्कल शेप की होती है। कभी आप मून देखते हैं ना, एक तो फुल मून होता है वो सर्कल शेप में होता है, और जब थोड़ा वो घटते 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 घट जाता है, आधा हो जाता है, तो वो सेमी सर्कल शेप का हो जाता है। फिर से पेज नंबर 74 निकालिए। यस, अब हमने शेप्स के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ दिया है सर्कल। अब आप इसको पिक्चर में जितने भी आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं उनको काउंट करके आपको यहाँ लिखना है। सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5। उसी तरह स्क्वायर काउंट कीजिए, स्क्वायर काउंट करके, जैसे स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये भी स्क्वायर है और ये इसके अंदर 6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6। उसी तरह रेक्टेंगल और ट्राइंगल्स को आपको काउंट करके यहाँ लिखना है।
शो द पेज नंबर 83। कलर द पिक्चर, काउंट एंड शेप एंड राइट। आप ये पिक्चर देखिए, इसमें भी आपको शेप्स को काउंट करना है और यहाँ उनके नाम लिखे हैं, तो कितने कितने, जैसे सर्कल है तो इसमें सर्कल कितने आप काउंट करके यहाँ लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 सर्कल। स्क्वायर कितने हैं काउंट कीजिए, 1 यस, और देखिए कहाँ है, ये स्क्वायर है, नो ये यस, ये स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर है इसमें, ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2। और आपको इस पिक्चर में कलर भी करना है। अब ट्राइंगल को काउंट कीजिए, वो आप यहाँ लिखेंगे, ओवल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहाँ लिखेंगे, तो सेमी सर्कल काउंट करके लिखेंगे, ट्राइंगल रेक्टेंगल काउंट करके आपको लिखना है, पेज नंबर 86। इसी तरह आपको इनमें भी शेप्स को काउंट करना है, स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, ट्राइंगल काउंट करके लिखेंगे, सर्कल काउंट करके लिखेंगे कितने टोटल यहाँ इसमें सर्कल्स है, ओवल कितने हैं वो काउंट करके आपको यहाँ लिखना है। नाउ शो द पेज नंबर 87। कलर द शेप्स दैट इज डिफरेंट इन ईच सेट। अब आपको क्या करना है, यहाँ इस रो में जो शेप दे रखे हैं उनमें डिफरेंट जो शेप दिखाई दे रहा है, जो शेप अलग दिखाई दे रहा है बाकी 3 से, उसमें आपको कलर करना है। सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन ये क्या है, रेक्टेंगल, तो आप इसमें कलर करेंगे। उसी तरह ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, तो आप सर्कल में कलर करेंगे, ओके। जो और इसी तरह इन रो में भी जो आपको डिफरेंट शेप दिखाई दे रहा है उसमें आप कलर करेंगे। नाउ टर्न द पेज, वॉट विल कम नेक्स्ट इन ईच सेट, ड्रॉ एंड कलर। अब आप यहाँ देखिए, ये स्क्वायर पिंक स्क्वायर है, उसके बाद 2 स्क्वायर से अगेन पिंक स्क्वायर, उसके बाद ओनली 1 येलो स्क्वायर है, तो अब ये कौन सा स्क्वायर बनेगा, कौन से कलर का बनेगा, यस येलो, क्योंकि पिंक के बाद 2 स्क्वायर्स येलो है, तो यहाँ भी पिंक के बाद 2 स्क्वायर्स येलो बनेंगे। इसी तरह से इस पैटर्न के बाद ये सर्कल पैटर्न है, फिर इसके बाद ग्रीन पैटर्न के बाद ये पिंक पैटर्न है, ग्रीन पैटर्न के बाद कौन सा पैटर्न आएगा, यस सर्कल, तो आप ये यहाँ बनाएंगे, 1 2 1 2 1, व्हाट्स कम नेक्स्ट, यस 2, तो आप यहाँ 2 बनाएंगे और उसमें ब्लू कलर करेंगे। उसी तरह ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज ब्लू, तो यहाँ कौन सा पैटर्न आएगा, यस ऑरेंज पैटर्न। इसी तरह ट्राइंगल ग्रीन, पर्पल ट्राइंगल ग्रीन, ट्राइंगल पर्पल ट्राइंगल, विच ट्राइंगल कम्स, यस ग्रीन ट्राइंगल, ओके। चलिए अब यहाँ बताइए कुछ डिफरेंट शेप्स की, कुछ थिंग्स रखिए, चीज़ें रखिए। अब आप ये बताए, मोबाइल देख रहे हैं ना, मोबाइल कौन से शेप का है, यस रेक्टेंगल, क्योंकि 2 साइड्स इसकी लॉन्ग है और 2 साइड शॉर्ट है। ये सर्कल, ये बताइए कौन सा शेप है, 1 2 3 साइड्स है इसकी, तो ये जो लेडी फिंगर कौन सी शेप की है, यस ट्राइंगल शेप की, बॉटल गार्ड लॉकी कौन सी शेप की होती है, वो ओवल शेप की। ये कौन सा शेप है, ये सर्कल है, लेकिन ये कौन सा शेप है, ये यस स्क्वायर, क्योंकि इसकी 4 लाइंस इक्वल है। ये बताइए ये कौन सा शेप की बॉक्स है, यस सेमी सर्कल। ये रिंग सर्कल, ये बिटर गार्ड करेला, पसंद नहीं ना, ये कौन से शेप का होता है, ये होता है ओवल शेप का। ये सीजर देखिए कौन से शेप की है, जल्दी बताइए, यस ट्राइंगल शेप की। चलिए ये बताइए ये बॉक्स, यस ये स्क्वायर शेप का है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल है। ये सर्कल गोल, बिल्कुल कोई भी इसका कॉर्नर साइड नहीं है, ये छोटे छोटे सर्कल है, लेकिन ये ब्लॉक कौन से शेप का है, यस रेक्टेंगल, बिकॉज 2 साइड्स आर लॉन्ग एंड 2 साइड्स आर शॉर्ट। ये पाइनएप्पल, पाइनएप्पल कौन से शेप का है, ये यस ओवल शेप का। ये बॉक्स, यस ये भी ओवल शेप की है। आई होप कि आपको अब अच्छे तरह से शेप समझ में आ गए हैं। नाउ आवर क्लास इज ओवर, हरे कृष्णा।